हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी बेटी अनुपमा रावत के चुनाव पर बड़ा खुलासा किया है। हरीश रावत ने कहा कि मैं आखिरी क्षण तक टालने में लगा था कि अनुपमा हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव ना लड़े। हरदा ने कहा कि ये पार्टी का फैसला था, पार्टी ने अनुपमा के काम को देखते हुए अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से टिकट दिया है। हरीश रावत ने कहा कि अनुपमा रावत को चुनाव में टिकट दिलाने में मेरा कोई रोल नहीं रहा और ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का फैसला था। हरिद्वार ग्रामीण सीट से संभावित नतीजे पर उन्होंने कहा कि अनुपमा जीत दर्ज करेगी, बेटी तो मेरी है, मुझे पूरा विश्वास है कि वह बहुत अच्छा करेगी। कांग्रेस की सरकार बनने के सवाल पर हरीश रावत ने फिर दावा किया कि उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस 48 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। वहीं हरीश रावत की पुत्री और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा रावत ने भी दावा किया कि कांग्रेस हरिद्वार ग्रामीण सीट जीत रही है। अनुपमा रावत ने कहा कि हरिद्वार ग्रामीण सीट में बीजेपी प्रत्याशी यतीश्वरानंद के लिए लोगों में काफी रोष है, बेरोजगारी और बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था। अनुपमा रावत ने कहा कि हरिद्वार ग्रामीण से मौजूदा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार यतीश्वरानंद ने बाहरी लोगों को वहां पर बसाया और सिटकुल में नौकरियां भी बाहरी लोगों को मिल रही हैं। यही वजह है कि लोगों में यतीश्वरानंद के लिए बड़ा रोष था। अनुपमा ने कहा कि वह पूरी तरह से आशान्वित हैं कि वे चुनाव जीतने जा रही हैं। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।